और फौलाद होगी भारत की सेना। रात के अंधेरे में भी देख पाएंगे भारतीय सैनिक, अंधेरे में ही दुश्मन को कर देंगे ढेर। अंधेरे में अचूक होगा निशाना, पाकिस्तान और चीन के सैनिकों को पलक भर में धूल चटा देंगे हमारे सैनिक। मोदी सरकार में अब AK-47 के दिन पुराने होने वाले हैं और हमारे जावाजों के हाथ में आने वाली है असॉल्ट राइफल। मोदी सरकार ने 72,400 असॉल्ट राइफलें खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जल्द ही ये हाईटेक राइफल्स हमारे सैनिकों के हाथों में आपको नजर आएंगी। असॉल्ट राइफलों के साथ साथ 93,895 कार्बाइन की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। सरकार इस सौदे पर 3,547 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। ये असॉल्ट राइफल और कार्बाइन नजदीकी लड़ाई में बेहद ही कारगर है और इनमें रात के घने अंधेरे में भी देखने की क्षमता है। सेना ने करीब 13 साल पहले असॉल्ट राइफल की मांग की थी, लेकिन यूपीए सरकार 9 सालों से भी ज्यादा वक्त तक सैनिकों की इस मांग को नजरअंदाज करती रही। अब मोदी सरकार ने सेना के हाथ और मजबूत करने के लिए ये फैसला लिया है। मोदी सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए आधुनिक बुलेट प्रूफ जैकेट और बैलिस्टिक हेलमेट खरीदने की भी मंजूरी दी है। पीएम मोदी जानते हैं कि जो सैनिक हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान एक कर देते हैं, आखिर उनकी खुद की सुरक्षा कितनी जरूरी है।